राजस्थान के बारा छिपाब डौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र में 3-4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नालों में आई उफान, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में होकर गुजर रही परवन नदी, पार्वती नदी, लिहासी नदी, अंडेरी नदियों में भारी बारिश के कारण नदियों ने लिया विकराल रूप और गांव, गली, शहर, कस्बों समेत मंदिरों और आश्रमों पर भी पानी पहुँच चुका है, जिसके कारण कि गाँव में भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस के जिला महासचिव मूलचंद शर्मा और ग्राम पंचायत पछाड़ की सरपंच श्रीमती सरिता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राम पंचायत पछाड़ के गांव गुलखेड़ी में लिहासी नदी के पानी से आई उफान के कारण गुलखेड़ी के दर्जनों गांव में पानी घुस गया, जिसके चलते गांव में होकर गुजर रहा नेशनल हाईवे छिपाब डोद से पारा मार्ग पर भी 4-5 फीट पानी भर गया, जिसके कारण नेशनल हाईवे पर वाहनों का आवागमन बाधित रहा। नदियों और नालों में आई उफान के कारण क्षेत्र में सैकड़ों गांव में पानी ने त्राहिमाम मचा दी है और कई गांव में टापू भी बना दिया गया है, जो 4-5 दिनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे में कई गांव के राई, भावपुरा समेत अन्य गांव में तालाब टूटने की कगार पर हैं, जिनको लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार नदी नालों के आसपास के गांव में जाकर मौका मुआयना कर लोगों से अपील की जा रही है कि सभी नदियों और नालों से दूर रहें एवं ज्यादा पानी आने से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर आसानी से पहुंचे। पूर्व वार्ड पंच यतीश कुमार चंदेल ने बताया कि हरनाबदी जागीर वार्ड नंबर 5 एक बार फिर टापू बन गया है, जिसके चलते गांव का छिपाब डोद से 5 किलो से संपर्क कट गया है। इसके अलावा गांव से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। लासी से पानी छोड़ने के बाद गांव में बाढ़ के हालात बने। ग्राम गुलखेड़ी में भारी बारिश के कारण कई मकानों में, कई घरों में भरा है पानी। आप देख रहे हैं इतना विकराल रूप के साथ नदी उफान पर है और कई मकानों को नुकसान हुआ है। रोड पर 5-5 फीट पानी है। सरकार से तुरंत मुआवजा देने की मांग। मैं मूलचंद शर्मा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी 12, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पचार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।